अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब के दुआओं से। और यहाँ पे जी मैं जाने की तैयारी कर रही थी बाहर, और यहाँ पे मिले मुझे दो तीन हमारे पड़ोसी के बच्चे। और यहाँ पे वो लोग कभी स्केटिंग कर रहे थे तो कभी क्या खेल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हमारी भी वीडियो बनाओ और हम ऐसे वीडियो में इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे तो हमारे भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चले ठीक है, आप भी आ जाएं। उनको बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं उनके साथ साथ ही जा रही थी और वो लोग ऐसा ही कर रहे थे। मैंने कहा चलो अभी मुझे देर हो रही है, आप रुके, मैं तो अभी जा रही हूँ बाहर, फिर मैं बना दूँगी। मगर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा चलिए अभी बस ठीक है, मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी। इसमें ये दूसरा बच्चा भी आ गया और ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप खुद ही सुने। और इसके साथ ये दूसरा शरारती बच्चा भी आ गया, ये हमारे घर के सामने दोनों नहीं बल्कि दो तीन चार ये जो हमारे घर के सामने ही खेलते रहते हैं, तो बोल रहा था कि मैं अपने स्किल्स भी दिखाऊंगा, आप मेरी वीडियो भी बना दे। तो मैंने कहा चले जी अगर उसकी बनाई है तो आपकी भी बना दूंगी। okay, यहाँ पे से बस okay, मैं अभी जा रही थी, मुझे बहुत ही देर हो रही थी। मैं मार्केट जा रही थी, कुछ सामान वगैरह लाना था, वहाँ पर मैं जा रही थी। तो मुझे कुछ बातों की समझ नहीं आती है, जब लोग आप जो कुछ दिखाते हैं दुनिया को, आपको दुनिया पता नहीं कैसी किस नज़रों से देखती है, ये आपको नहीं पता चलता। इंसान बस अपने ही दुनिया में, अपने ही चीज़ों में मगन रहता है। दुनिया बोलती है कि इनके पास हर इनका चीज़ सही है, सब कुछ सही रहता है, मगर ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको ज़िंदगी में, तभी आपको आगे जाकर कुछ अच्छी सी ज़िंदगी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत लाख लाख शुक्र है। हर टाइम ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। मगर क्या है कि लोगों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते ना। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आपको अपने आप को दुनिया की हर चीज़ को कोई ना कोई कीमत तो होती है ना इंसान की। जब वक्त आता है तो वक्त ही उसकी कीमत बताता है, वक्त के साथ ही इंसान का पता चल जाता है। लेकिन इंसान दुनिया की वो वाहिद मखलूक है ना, आपको पता है, जो अपना कीमत खुद लगाता है और अपना सलाहियत और अपनी वैल्यू को बनाता है। ये आपको ये बातें समझनी पड़ती है। इंसान बस सिर्फ यही समझता है कि वो कीमती है या उसके काम कीमती है, मगर शायद दुनिया उसकी जब वैल्यू देगी ना तभी उसको पता चलता है। लेकिन ये याद रखे, जब भी इंसान की वैल्यू की बात आती है ना, तो इंसान का नाम कुछ भी नहीं होता, उसके काम की वैल्यू होती है, उसके जो काम होते हैं, उसकी मेहनत होती है ना, उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत की लगती है कीमत। यहाँ पे तो बस कुछ भी नहीं है बस। और यहाँ पे मैं मार्केट से आ रही थी और यही बातें बस मेरे जहन में इधर उधर घूम रही थी, पता नहीं बस लोग भी क्या सोचते रहते हैं। और मैं ये मेहंदी लेकर आई थी और कुछ कोकोनट वगैरह मैं देख रही थी। और यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको मार्केट में पड़े होते हैं ना, तो मेरा कोकोनट कच्चा वाला खाने का बहुत ही दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो एक दो मैं ले लूँगी। मगर फिर भी मुझे डर लगता था कि ये होता है कि आप जब घर लाए उसको तोड़े, तो मैंने जब भी ऐसा किया तो मेरे साथ यही हुआ, वो अंदर से ख़राब था, फिर मैंने उसको फेंक दिया। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी कुछ होम रेमेडीज़ की, अपने बालों की। और ये बस होता है कि बस यही बातें मेरे दिमाग में कब से घूम रही थी कि बस लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजरती है इंसान की, वो तो हम सब जानते हैं ना।
आप जब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, आपको पता है और आपके साथ रहने वालों को पता होता है। इस दुनिया के मैदान में आपकी ज़िंदगी से इतना मुकाबला कर सकता है, इतनी मुकाबला आप कर सकती है कि इंसान समझता है कि वो काबिल है, लेकिन हम काबिल नहीं हैं। हमें अल्लाह पाक ही काबिल बना देता है। काबिलियत ये होती है इंसान की कि इंसान कुछ भी नहीं है, उसका किरदार और अखलाक की काबिलियत होती है। यहाँ पे उसका मयार ये बताता है कि ये कैसा इंसान है। आप अपने किरदार को अच्छा रखें दूसरों के साथ, अपनों के साथ, तो तभी इंसान को सब पता चल जाता है। और बस यही कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पे फिर मैं अपनी हेयर डाई बना रही थी। यह हेयर डाई जो है ये होम रेमेडीज़ की है, जो कि मैंने अपनी ननन से सीखी थी। वो अपने लिए ये डाई बनाती थी तो बहुत ही अच्छा डाई आता था इससे। ये कुछ कुली वाली मेहंदी थी जो मैं मार्केट से लाई थी, और इसमें अपने हिसाब से जो भी, अगर आप कलर तो नहीं डाल सकते, मगर मैंने इसमें बीट रूट का जो पानी मैंने निकाल दिया था वो मैंने डाल दिया, और 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे मुझे ये डर लग रहा था कि ये कुछ कम ना हो जाए, मगर जब भी बनाया ना तो इतना ज़्यादा हुआ कि आधे से ज़्यादा ही बच गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे रफानजर के बाल है इतने सारे बाल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना, आपको पता है कि पता नहीं यूएई का पानी को क्या मसला है, या हमें कुछ ठीक हम पे नहीं आ रहा। यहाँ पे पानी इतना ख़राब है, मगर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सही रहते हैं। यहाँ पे पानी, हमारे सारे बाल जड़ गए, बाल सफ़ेद हो गए। तो मैंने कहा अभी तो मैं इस पे कलर या केमिकल्स वाले हेयर डाई तो अप्लाई नहीं कर सकती ना, तो मैंने कहा चले अपने घर में ही कुछ बना लूँगी। और इससे ये होता है कि आपके बाल जब सही नहीं होते तो ख़राब भी नहीं करते। तो मैंने ये डाई बना लिया। जब आपको ये डाई बनानी पड़ती है ना, तो इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वैसे नहीं होता जैसे केमिकल्स का होता है, मगर फिर भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। मैं इसकी रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी, मगर इस वाली वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, मैं दूसरे वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम चले मार्केट में। मार्केट में से हमको थोड़ा सा गोश्त लाना था जो कि ख़त्म हो गया था। हम हमेशा यजमान में से जाते हैं, वहाँ पर हमको अच्छा गोश्त मिलता है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ से गोश्त ले लिया, मटन, चिकन और गाय का गोश्त, जो भी आपको चाहिए होता ना तो वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाता है। और आप देखते हैं, आप ख़ुद चूज़ करते हैं कि कैसा आपको चाहिए, और फ्रेशली आपको वो पैक करके दे देते हैं। तो हमने जी यहाँ से कर ली कुछ शॉपिंग वगैरह, और उसके बाद हम जा रहे थे अपने घर, और घर बस हम पहुंचने ही वाले थे। तो यही थी जी हमारा आज का व्लॉग।